नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, धोरण 10 सामाजिक विज्ञान विषय ना आ ऑनलाइन शिक्षण में आप सबनु स्वागत छे। मित्रों, अपना छेल्ला लेक्चर में आपने संगीत कला ने बात करी थी, एटले के भारत नी ललित कलाओं पैकी संगीत कला विषय आपने विशेष चर्चा करी हती। अने आजे आपणे बीजी ललित कला एटले के नृत्य कला विषे अभ्यास करवाना छीए। नृत्य शब्दनी व्युत्पत्ति एटले के आ शब्दनो मूळ संस्कृत शब्द नृत एटले के नृत्य करवू उपरथी थई छे। मित्रों, आवा प्रकारना वाक्यो आपणे खास याद राखशुं, कारण के हेतुलक्षी प्रश्नों एक एक मार्क वाला जे छे तेमा आ प्रकारना सवालों आवी शके। एटले नृत्य शब्दनी व्युत्पत्ति मूळ संस्कृत शब्द नृत्य करवू उपरथी थई छे। नृत्य ए ताल अने लय साथे सौंदर्यनी अनुभूति करावे छे, एटले के नृत्यमां ताल अने लय ए बन्ने मळीने एक विशिष्ट प्रकारना सौंदर्यनी आपणने अनुभूति करावे छे। नृत्य कलाना आदिदेव भगवान शिव नटराज मनाय छे। आप आ चित्रमां जोई शको छो, आ चित्रनी अंदर आपने नृत्य कलाना आदिदेव नटराज नो शिल्प जोवा मळे छे। घणी जग्याए आपे आ शिल्प जोयुं हशे। नटराज शिवे पृथ्वीवासीओने नृत्य कला शीखवा माटे स्वर्गमांथी पृथ्वी पर आ कला सर्वप्रथम लाव्या होवानी मान्यता छे। एटले के नृत्य कला ए स्वर्गमांथी पृथ्वी पर आवेली कला छे। भारतना शास्त्रीय एटले के प्राचीन नृत्यों में भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, ओडिसी अने मणिपुरी ए मुख्य प्रकारों छे। जे तमामनी आपणे अत्यारे अहींया ऊंडाणथी चर्चा करशुं। मित्रों, चार मार्कनी अंदर आ सवाल खास आवी शके अने कोई एक नृत्य शैली पण बे मार्क के त्रण मार्क मां पूछी शकाय। अत्यंत अगत्यना सवालों पैकीनो आ एक सवाल छे। आपणे सौप्रथम भरतनाट्यम नृत्यना प्रकार विषे चर्चा करशुं। भरतनाट्यमनुं उद्भव स्थान तमिलनाडु राज्यनो तांजोर जिल्लो गणाय छे। परीक्षामां पूछाय एवो सवाल के भरतनाट्यम नो उद्भव स्थान कया राज्यमां, तमिलनाडु, कया जिल्लामां, तांजोर। भरत मुनिए रचेल नाट्यशास्त्र अने नंदिकेश्वर रचित अभिनव दर्पण आ बन्ने ग्रंथों भरतनाट्यमना आधार स्रोत छे। एटले नाट्यशास्त्र अने नंदिकेश्वर ए बन्ने शब्दों में आपणे ध्यान आपशुं। आ बन्ने शब्दोनी अदलाबदली जवाब लखती वखते थई जवाना पूरा संजोगो छे। आ बन्ने शब्दों बराबर समजजो। भरत मुनिए नाट्यशास्त्र नामनो ग्रंथ लिख्यो, एटले के भरत मुनि लेखक छे अने नाट्यशास्त्र ग्रंथ छे। एज प्रमाणे नंदिकेश्वर रचित अभिनव दर्पण, एटले के नंदिकेश्वर ए रचयिता छे अने अभिनव दर्पण ए ग्रंथ छे। आ बन्ने ग्रंथो भरतनाट्यमना आधार स्रोत छे। मृणालिनी साराभाई,
गोपी कृष्ण, उपरांत फिल्म क्षेत्र की जाणीती अभिनेत्रीओ वैजंतीमाला, हेमा मालिनी, पण आ प्राचीन परंपरा नो वारसो जाळवनाराओ मां गणाय छे। एटले के भारतना आ व्यक्तिओ भरतनाट्यम कला ने आगळ वधारवा माटे कटिबद्ध छे। भरतनाट्यम नृत्य कला बाद आपणे कूचिपुड़ी नृत्य शैली विषय चर्चा करशू। आ नृत्य की रचना 15मी सदीना समय में थई छे। मित्रों शक्य हो तो हूँ आपने कूचिपुड़ी नृत्य बतावा मांगू छू। आ कूचिपुड़ी नृत्य ना चित्रों आपनी समक्ष अत्यारे आवे छे। कूचिपुड़ी नृत्य नी एक मुद्रा जोवा मळे छे। तो मित्रों आ नृत्य नी रचना 15मी सदी में थी। मुख्यत्वे स्त्री सौंदर्यना वर्णन पर आधारित स्त्रीओ अने पुरुषों बन्ने द्वारा कराता कूचिपुड़ी नृत्य में भारतीय नृत्यनी पायानी मुद्राओं ने वणी लेवामां आवी छे। एटले के भारतीय नृत्यनो जे पायो छे एनी विविध मुद्राओ छे ए अहींया वणी लेवामां आवी छे। मित्रों मुद्राओ एटले के हाथ अने चेहराना हावभाव वडे कशु प्रतिबिंब करवानी कला। आप जोई शको छो अहींया हाथ नी गोठवण अने चेहराना हावभाव ने आपणे मुद्रा कही शकीए। जेम भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य साथे जोड़ायेलू छे तेम कूचिपुड़ी नृत्य आंध्रमां विशेष प्रचलित छे। गुरु प्रहलाद शर्मा, राजा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, शोभा नायडू वगैरे जाणीता नर्तकोए आ शैलीना प्राचीन वारसाने विख्यात बनाव्यो छे। एटले के आ तमाम लोको कूचिपुड़ी नृत्य शैलीने आगळ वधारी रह्या छे। त्यार पछीनुं जे नृत्य छे ए छे कथकली। फरी वार आपणे जोई लीए मित्रों भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य साथे जोड़ायेलू छे, कूचिपुड़ी ए आंध्र साथे जोड़ायेलू छे, अने कथकली ए केरल राज्यनुं प्रचलित नृत्य छे। कथकली शब्द पौराणिक महाकाव्यो महाभारतना प्रसंगों अने संस्कृत मलयालम मिश्रित नाटकों पाचलथी कथकली कहवाया। एटले के कथकली शब्द महाकाव्यों साथे महाभारतना प्रसंगों साथे अने केरलनी भाषा मलयालमना नाटकों साथे पाचलथी कथकली तरीके प्रचलित थया। मित्रों हूँ आपने कथकली नृत्य अंगे एना चित्रों बतावा मांगू छू।
आप જોઈ શકો છો ચહેરાના હાવભાવ આ કથકલી નૃત્ય નું ચિત્ર આપ જોઈ શકો છો તેની વેશભૂષામાં घेरदार सुंदर कपड़ा वाली वेशभूषा होय छे पात्र ने ओळखवा माटे तेमना चेहरा उपर विशिष्ट चित्रामण एटले के मुखाकृति ने समझवू पड़े छे आ नृत्यमां नट एटले के कलात्मक मुकुट धारण करीने रजूआत समये एक ज तेलना दीवाना तेजथी प्रकाशित रंगमंच पर पर्दा पाछळ आवीने पोतानी संगीतमय ओळख आपी त्रणेय लोकना पात्रों ने चेहराना हावभाव अने हस्तमुद्राथी सजीव करे छे। नट एटले के पुरुष कलाकार नायक एक कलात्मक मुकुट धारण करशे एक ज तेलना दीवाना प्रकाश थी पर्दा पाछळ आवीने ए नायक पोतानो संगीतमय ओळख आपी त्रणेय लोकना पात्रों ने चेहराना हावभाव थी सजीव करशे। हूँ आपने बतावा मांगू छू मुकुट धारण करीने आप जोई शको छो चेहराना हावभाव मैं आपने अहींया चित्रात्मक रीते बतावा छे। त्रणेय लोक तो त्रणेय लोक माटेनी अलग अलग आभा आप જોઈ શકો છો અહીં આપને પડદો પણ બતાશે સફેદ કલરનો પડદો છે। કેરળના કવિશ્રી વલથોળ જે સ્થાપિત કલામંડળમાં કથકલી ક્ષેત્રે કલામંડલમ કૃષ્ણપ્રસાદ શિવારમન વગેરે આ નૃત્ય શૈલીને देश विदेश में नाम ना पावी छे। मित्र कथकली बाद आपड़े कथक नृत्य अंगे माहिती लेशु। खास याद राखवा जेवू वाक्य आवे छे कथन करे सो कथक कहावे आ वाक्य परथी कथक उतरी आव्युं छे। एनो अर्थ एवो थाय के अहींया कथन एटले के बोलवू अने कथक एटले के नृत्य साथे जोडायेलो शब्द कथन करे सो कथक कहावे। महाभारतमां श्रीकृष्ण अने गोपीओ साथेना नृत्योनी कथाओ आधारित कथक नृत्यनो वैष्णव संप्रदायनी श्रृंगार भक्ति साथे उत्तर भारत में विकास थयो छे। श्रृंगार भक्ति साथे उत्तर भारत में आनो विकास थयो छे जेमां एक पग पर गोल गोल फरवू अने नृत्यना प्रसंगों प्रदर्शित करवामां आवे छे। आ नृत्य में स्त्रीओ चूड़ीदार पायजामो अने ऊपर घेरवाड़ू वस्त्र पहरे छे। हूँ आपने कथक अंगे ना चित्रों बतावानो प्रयत्न करूँ छू। आ कथक नृत्य ना चित्रों आप जोई शको छो। आ कथक नृत्य नो चित्र आप જોઈ શકો છો। कथक नृत्य ने जीवंत राखवामां पंडित श्री बिरजू महाराज सितारा देवी
કુમુદીની લાખિયા વગેરે આ કલાને જીવંત રાખી છે. ભારતના શાસ્ત્રીય નૃત્યો પૈકીનું નૃત્ય મણિપુરી નૃત્ય આપણે સમજશું. મિત્રો, આ ફોટામાં એટલે કે આકૃતિ 2.6માં મણિપુરી નૃત્ય કલાના ચિત્રો જોઈ શકો છો. મણિપુરની પ્રજા દરેક ઉત્સવ પ્રસંગે નૃત્ય કરે છે અને મણિપુરી નૃત્ય શૈલી મુખ્યત્વે શ્રી કૃષ્ણની બાળલીલા અને શ્રી કૃષ્ણની રાસલીલા પર આધારિત છે. પરીક્ષામાં પૂછાય એવો સવાલ, મણિપુરી નૃત્યના લાસ્ય અને તાંડવ એમ બે પ્રકાર છે. આ નૃત્ય વખતે રેશમનો બ્લાઉઝ પહેરીને કમરે પટ્ટો બાંધવામાં આવે છે તથા નીચે ઘેરા ઘેરદાર લીલા રંગનો ચણિયો, જેને કુમિન કહેવામાં આવે છે, તે પહેરવામાં આવે છે. હું આપને મણિપુરી નૃત્યના વિશેષ ચિત્રો બતાવવા માંગુ છું. આ મણિપુરી નૃત્યના ચિત્રો આપ જોઈ શકો છો. ચિત્રમાં આપેલ માહિતીને આપણે પાઠ્યપુસ્તક સાથે સરખાવીએ તો આપણને કુમિન અંગેની માહિતી અહીંયા મળશે. મણિપુરી નૃત્યને આગળ વધારવા માટે અને એની મણિપુરી નૃત્યને નામના અપાવવા માટે ગુરુ આમોબી સિંઘ, આતોમ્બી સિંઘ, ગુરુ બિપિન સિન્હા, નૈના ઝવેરી, નિર્મલ મહેતા વગેરેએ આ નૃત્યને દેશ વિદેશમાં ખૂબ નામના અપાવી છે. તો મિત્રો, આ હતી લલિત કલામાં બીજી લલિત કલા એટલે કે નૃત્ય કલા. ત્યારબાદ નાટ્ય કલા. નાટ્ય કલા અંગેની માહિતીનો અભ્યાસ કરશું. મિત્રો, નાટ્ય કલા એ મનોરંજન સાથે સંસ્કાર બંને સાથે જોડાયેલી છે. એટલે કે મનોરંજન સાથે સંસ્કાર એ ભારતીય નાટ્ય કલાની વિશેષતા રહી છે. નાટકનું સંચાલન કરનાર સૂત્રધાર રમૂજ એટલે કે હાસ્ય વડે આનંદ પમાડતા વિદૂષકની જોડી સાથેના નાટકો એ ભારતની નાટ્ય કલાની એક આગવી ઓળખ બની છે. ભરત મુનિએ રચેલું નાટ્યશાસ્ત્ર કલા ક્ષેત્રે પ્રચલિત છે. મિત્રો, આપની પાસે પાઠ્યપુસ્તક આવી ગયું હોય તો આ વાક્યને અંડરલાઈન કરજો. નાટ્યકલા એ નાટ્યલેખન અને મંચન દ્વારા રંગમંચ ઉપર દ્રશ્ય, શ્રાવ્ય અને અભિનયના ત્રિવેણી સંગમ સાથે અબાલ વૃદ્ધોનું મનોરંજન અને લોક શિક્ષણ કરતી ભારતની પ્રાચીન કલા છે. એટલે કે આ એક એવી કલા છે કે જેમાં દ્રશ્ય, શ્રાવ્ય એટલે કે સાંભળવું, દ્રશ્ય એટલે કે જોવું અને અભિનય એમ ત્રણ એટલે કે ત્રિવેણી સંગમ સાથે નાના અને મોટા સૌનું મનોરંજન પણ કરે છે અને શિક્ષણ પણ આપે છે. આ કલામાં તમામ કલાનો સમન્વય હોવાનું વર્ણવતા, મિત્રો સમજો,
नाट्य कला नी अंदर तमाम कला नो समन्वय छे एवं वर्णवता भरत मुनिए नोंध्यु छे के एवं कोई शास्त्र नथी एवं कोई शिल्प नथी एवी कोई विद्या नथी एवं कोई कर्म नथी जे नाट्य कला में न होय। भरत मुनि रचित प्रथम नाटक नो कथानक देवासुर संग्राम हतु। मित्रों अपने बधाज वाक्य खास याद राखशु। संस्कृत साहित्य में महाकवि भासे महाभारत आधारित कर्णभार उरुभंग दूतवाक्यम जेवा नाटकोनो वारसो आपणने आप्यो छे। जेरे महाकवि कालिदासना अभिज्ञान शकुंतलम विक्रमोवशर्यम तेमज मालविकाग्नि मित्रम नाटको ए सौथी जाणीती रचनाओ छे। मित्रों आ तमाम नी माहिती आप संस्कृत विषय में पण मेळवशो। आ उपरांत प्राचीन समय में नाट्य कला क्षेत्रे अनेक नाट्यकारों थया जेमणे संस्कृत नाट्य कला ने समृद्ध बनावी। गुजरातनी नाट्य कलाओं में जयशंकर सुंदरी नु नाम मोखरे गणाय। आप जयशंकर सुंदरी नु चित्र अहीं जोई शको छो। आ उपरांत अमृत नायक बापूलाल नायक नंदबत्रीसी नाटक ए एमनु प्रख्यात नाटक छे। प्राण सुख नायक दीना पाठक जसवंत ठाकर उपेंद्र त्रिवेदी जो हमणा कोरोना में अवसान पाया अने प्रख्यात रामायण सीरियल में तेमने रावण की भूमिका भजवी थी। प्रवीण जोशी सरिता जोशी दीपक घीवाला आ वगैरे एनो फाळो खूब ज नोंधपात्र गणाय। आ उपरांत आपणे देशी नाटक समाज अने अन्य नाट्य संस्थानो फाळो पण नोंधवो रहे जे नाट्य कला ने हजु पण आगळ धंपावे छे। मित्रों त्यारबाद आपणे भवाई अंगेनी चर्चा करवानी छे। ललित कला पैकी आपणे सौप्रथम चित्रकला त्यारबाद संगीत कला त्यारबाद नृत्य कला त्यारबाद नाट्य कला अने हवे आपणे भवाई अंगे चर्चा करवानी छे। परंतु ते अंगे चर्चा आपणे हवे पछीना ऑनलाइन शिक्षण में करशुं। आपने आ लेक्चर केवुं लाग्युं ते बाबते आप आपना कोईपण प्रतिभाव यूट्यूब ना नीचे कॉमेंट विभाग में लखी शको छो। कोई सूचन पण करी शको छो जेथी करीने हूँ आपने महत्तम सारी गुणवत्तावाळुं शिक्षण आपी शकूँ। तो आ साथे विरमू छूं मित्रों। ईश्वर आप सौनुं स्वास्थ्य सारूँ राखे तेवी प्रार्थना। आभार।